हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्ट्रेंथ चैनल में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं पीजीटी एचटेट की आंसर की 60 क्वेश्चंस की आंसर की है। ये सीडीपी नहीं है, बाकी की जो है सारे पार्ट्स हैं हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, ठीक है, और हरियाणा जीके और मैथ्स। तो देखिए पहले हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं 31 से। लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन बताना था यहाँ पे, तो फौज, भीड़, सरकार, स्त्रीलिंग है, ये भी सही है। लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है क्योंकि लिंग से जो है परिवर्तन होता है संज्ञा में, सर्वनाम में, तो ये होता है। आगे है कोमल, मैना, चीन, नित्य, स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक शब्द है, तो ये भी सही है। इसमें मिस्टेक है क्योंकि सभी शब्दों में जो है लिंग की दृष्टि से विकार नहीं होता है, मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाचक में होता है लेकिन सभी में नहीं होता है। तो मे भी यहाँ पे थर्ड आंसर जो है सही होगा। नेक्स्ट है, अव उपसर्ग का प्रयोग बताना था कि किस में हुआ है, तो अवधि में हुआ है। आगे देखिए, संधि विच्छेदन शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना था कि कौन सा सही नहीं है, तो विश्व प्लस एक क्या है, इसको बाद में देखते हैं। देखिए अधम जमा ऋण बिल्कुल सही है, अधम ऋण इसमें यूज की गई है गुण संधि, ठीक है, ना कि दीर्घ संधि, गुण संधि यूज हुई है, तो ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा मरण में, ठीक है, ऊपर ही आएगा मरण इस तरीके से, तो ये ठीक है बिल्कुल। प्री जमा कृत व्यंजन संधि है, प्री प्लस कृत धातु यूज हुई है तो प्रिस्कृत होगा। तत् जमा अनंतर ये भी व्यंजन संधि है, तदंतर यूज होगा। विश्व जमा एक्य में क्या मिस्टेक की गई है, क्योंकि विश्वक्य का जो होता है वो होता है विश्व प्लस एक्य, ये वाला जो है लिखा जाता है, तो मे भी इसको जो है सही आंसर माना जाए, ठीक है, बाकी तीनों जो है वो सही है। आगे देखिए, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है, तो विशेषण की अवस्था बतानी है यहाँ पे। आगे सबसे, और सबसे लगता है उत्तम अवस्था में, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है, तो देखिए अपनापन का जो है विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है अपनापन का। दो उपसर्गों का योग नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हुआ है, वैनाशिक में नहीं हुआ है। कृत प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, तो देखिए कृत प्रत्यय में लगता है, इसमें पूछा भाववाचक कृत प्रत्यय, तो भाववाचक कृत प्रत्यय में आवा, आव, हट भी आता है या आहट कह लीजिए, ये सारे वर्ड यूज होते हैं पीछे, तो छिड़काव, गड़गड़ाहट और पछतावा तीनों में भाववाचक कृत प्रत्यय, अय्या जो है इसमें नहीं आता है, तो प्रो सैया यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है, देखिए 35 डिग्री आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, थर्ड ऑप्शन। आगे देखिए, पार्श्विक वर्ण बताना था कि इनमें से पार्श्विक वर्ण कौन सा है, तो ले जो है पार्श्विक वर्ण हो जाएगा। क्रिया के संबंध में असंगत कथन चुनना था, तो यहाँ पे वाक्य में दो कर्म हो तो क्रिया में से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है, ये गलत है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प, बाकी तीनों सही हैं। ईर्ष्या रोग जन्म है, ये यौगिक भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, थर्ड वाला, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना था, तो देखिए इसमें तीन वर्ड ठीक है, अंत्येष्टि भी सही लिखा हुआ है, द्रष्टव्य भी सही है, आदिष्ट भी सही है। प्रिशिष्ट नहीं होता है, प्रिशिष्ट होता है, ठ की जगह टे आता है, तो ये इसमें अशुद्ध था, तो इसमें क्वेश्चन में शायद मिस्टेक हो, अशुद्ध शब्द का चयन करना था तो प्रिशिष्ट होना चाहिए था, तो ये सबको मिल सकता है इसका जो भी नंबर होगा। अपादान तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है जन्म रोगी में। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है, तो देखिए उपनिषद मीमांसा बिल्कुल ठीक है, विद्वत मूर्ति भी ठीक है, शरदमाला शरणमाला ये ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, षठ मास दे दिया, क्षण मास का जो संधि विच्छेद होता है वो कभी भी षठ नहीं होता, षट होता है, और यहाँ पे बच्चों का ध्यान नहीं गया होगा कि षट जमा मास आएगा, ओके, तो ये वाला जो है मिस्टेक इन्होंने क्या किया, हर बार जो है यहाँ पर दिया गया है और हम हमेशा इसमें चेक करते हैं कि कहीं इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, तो मे बी इसका आंसर थर्ड होना चाहिए क्योंकि षट मास होता है, षट जमा मास, ठह नहीं होता है। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना था, तो देखिए इसमें सरलता पूर्वक में बड़ा उ आएगा और सुधी जन में जो था ध के आगे आनी थी, तो यानी कि दो इसमें अशुद्ध शब्द जो थे दिए गए थे, ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर मान सकते हैं, वो सेकंड और थर्ड कई बार मान लिया जाता है दोनों आंसर, तो जिन्होंने इन दो में से लगाया है उनके सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, यू डैश अपोलोजाइज और फेस द कॉन्सिक्वेंसिस, तो यू मस्ट अपोलोजाइज हो जाएगा। आगे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड अंडरलाइन इन द सेंटेंस गिवन एज ए ऑप्शन हैज बीन यूज्ड एज ए वर्ब, जो वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो इसमें जो सही हो जाएगा, ईच एक्टर परफॉर्म्ड इन ए सर्कुलर स्पेस, थर्ड ऑप्शन। आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड बताना था इसमें, कंपाउंड वर्ड क्या होता है, जिसका अलग अलग मीनिंग निकले, मतलब उन्हें अलग करें तो एक दोनों का एक अलग मीनिंग आए, ठीक है, तो इसमें न्यूज पेपर का आ रहा है, न्यूज और पेपर, न्यूज का मीनिंग, पेपर का मीनिंग, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट स्पीच और टू इनडायरेक्ट स्पीच बताना था, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन तो हो जाएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑप्शन गिवन बिलो इलस्ट्रेट द यूज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो, तो यहाँ पे फायर बर्न्स हो जाएगा, बर्न्स हो गया, लाफ हो गया, सारी होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब में आती, मतलब अकर्मक क्रिया हिंदी में बोले तो। माई फादर डैश फॉर दिल्ली यस्टर डे, तो यस्टरडे आ गया, पास्ट में जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ए कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी, एडजेक्टिव बताना था इसमें कि कौन सा है, तो यहां पे जो हो जाएगा कूल, जो विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव। डू यू यूजली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग, तो सैटरडे इवनिंग आ गया, तो यहां पे हो जाएगा ओन सैटरडे इवनिंग। ठीक है, क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इज नॉट ए चाइल्ड प्ले फॉर एनिमल, इडियम है, तो डिफिकल्ट हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट टू डू, मतलब बच्चों का खेल नहीं है तो बहुत मुश्किल है। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे, तो इसमें हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। द टीचर रॉट एंड आउट लाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए पैसिव वॉइस बताना था, द भगवद गीता प्रेजेंट ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय द भगवद गीता, फर्स्ट ऑप्शन। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, तो बिगिनिंग इसमें थर्ड वाला जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डबल एन आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए नाउन, जो इसमें से नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं है इसमें नाइस। ठीक, आइडेंटिफाई द जीरंड, जीरंड बताना है इसमें से, तो जीरंड इसमें रीडिंग हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी में ऐसे कितने अक्षरों की युग्म है जिनके मध्य में यहां उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो प्रॉपर्टी में देखिए ये था प्रॉपर्टी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी के ओ आर बन रहा है एक, तो यही बन गया, साथ में एक बन रहा है ओ पी, ये बन रहा है दूसरा वाला, तीसरा बन रहा है ओ से आर तक ओ पी क्यू आर, और एक बन रहा है आर से पी, पी क्यू और आर, ये वाला, सॉरी आर पी तो बन चुका है, ओके सॉरी पी आर हो गया, ओ पी बन रहा है, ओ आर बन रहा है, एक पी आर बन रहा है, सॉरी ये रहा पी आर, पी क्यू आर, तो इसमें टोटल चार बन रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दो व्यक्ति हैं ए बी प्रातःकाल एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, तो नॉर्थ साउथ और यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट, इस तरीके से मान के आप जब करते, तो इसने कहा था कि ए की परछाई ए के बाईं ओर पड़ रही है, तो ए बी का मुख किस दिशा में है, तो वो दक्षिण दिशा में हो जाएगा, साउथ साइड में। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, और अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। तो इसमें सिंपल क्या करना था, देखिए 100% मान के चलिए, हमेशा जब भी मैं मैथ कराती हूँ सीपी या एसपी के क्वेश्चन आए 100% मान के चलिए, उसने कहा 19% लाभ, 100 का 19% 119, उसने कहा 15% का बट्टा यानी कि छूट मीन्स 85%, तो इसने कहा कि अपने लागत मूल्य पर मतलब इस 85% वाले पर वो कितना अंकित करे, तो यहाँ देखिए इन दोनों को माइनस कर लीजिए कितना आ जाएगा इनका डिफरेंस, आ जाएगा 34, निकालते किस में है सीपी में, तो 85 × 200 कर दीजिए, 17 × 85 17 × 34 5 × 10 0 40% यहाँ पे सही हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी, इसने कहा 5 वर्ष पश्चात, तो हम मान लेते हैं सन की आयु एक्स थी, तो इसके पिता की कितनी हो जाएगी, तीन गुनी, लेकिन ये थी 5 वर्ष बाद, इसने कहा कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र के 7 गुनी थी। अब देखिए 5 वर्ष बाद की दी थी, तो वर्तमान में पहुंचेंगे तो 5 साल घटेंगे, उसके बाद फिर 5 साल पीछे जाएंगे, तो 3x-10 हो जाएगा, ये x-10 हो जाएगा, ये इसका 7 गुना इक्वल रख देंगे हम, ये हो जाएगा 3x-10 इक्वल टू 7x-10, और यहां से जो है सॉल्व कर लेंगे, तो पिता की जो वर्तमान आयु यहां से निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, 40 साल जो है हो जाएगी। ठीक है, 45 जो थी वो 5 साल बाद होगी, लेकिन यहाँ पे वर्तमान पूछा गया था तो इसीलिए 40 हो जाएगी। देखिए यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 6 पेनों का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 8 पेनों के सीपी के बराबर है। ठीक है, सीपी एसपी एक तरफ लिया ये, तो एसपी सीपी हो गया 8/6, यानी कि एसपी की वैल्यू 8, सीपी की वैल्यू 6। अब जब एसपी ज्यादा तो ऑब्वियस है उसे क्या होगा, लाभ होगा, और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, डिफरेंस, और किस पे निकलता है लाभ हानि, सीपी पे निकलता है, गुना 100 कर दीजिए, 2 × 3 = 6 हो जाएगा 33, 1/3% प्रॉफिट, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसमें देखिए, इसमें जो है आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू इसमें रख के देख लीजिए, लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली इनका एलसीएम लेके कर सकते हैं, तो -1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, -1। आगे देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है सिलेंडर का, तो इसको सिंपल कीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, 2πRh होता है, और सेम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² h होता है। यहाँ से रेशियो निकाल के इन्हें इक्वल रख लीजिए, यहाँ से r की वैल्यू जो है यहाँ से निकल के आ जाएगी। फिर हमें चाहिए डायामीटर, व्यास पूछा तो उसका 2 गुना कर दीजिए, और फिर जो है यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल कर हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे 264/2πr हो जाएगा, तो समथिंग कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर 7:2 मतलब 7:3 हो जाएगा। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी। देखिए तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो क्या होता है, पहले वर्ष कम होता है, उसके बाद थोड़ा बढ़ता है, फिर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, इस तरीके से बढ़ता हुआ जाता है, ओके, कम नहीं होता, बढ़ता जाता है और ना ही इक्वल रहता है, साधारण ब्याज जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, ओके, 1 वर्ष के अंत में 650 था और 2 वर्ष के अंत में 676 हो गया, तो हमें बतानी है कि वो राशि कितनी थी कि जब ये 1 वर्ष में 650 हो गया। अब इसमें हम डिफरेंस देखें तो कितना जो है ब्याज जुड़ा है, 26 रुपए का, 26 रुपए का, तो मतलब वो 26 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 26 से कम होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 650 में से अगर हम 26 करेंगे 624, तो 624 से जो बड़ा वाला आंसर होगा वही इसमें आंसर हो जाएगा, तो 625 रुपए यहां पे हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे 240 रुपये अधिक आय होती। देखिए, 1% वार्षिक अधिक होती तो 240 रुपये अधिक आय होती, इसने ये कहा है, बट इसे 2 वर्ष के लिए दे दिया, ओके, तो 2 वर्ष के लिए दे दिया, तो जब 2 वर्ष में 240 है तो साधारण ब्याज तो बराबर होता है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि 120 120 240, क्योंकि साधारण ब्याज सेम रहता है, जब 1% की वैल्यू 120 आ रही है तो 100% की कितनी हो जाएगी, 12,000, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, स्पीड वाला क्वेश्चन था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कीजिए, सीधा स्पीड दी गई है इसमें 60 किलोमीटर, तो हम इसको मीटर में जोड़ लेंगे क्योंकि सारा उसमें ही है, तो 5/18 हो जाएगा। डिस्टेंस दिया गया 125/125 मीटर, और यहाँ पे पुल की लंबाई हमें निकालनी है, और 30 सेकेंड का टाइम, इस 30 को इधर लेके जाइए, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 0, 3 × 6 = 18, 6 इधर से आ गया 500, 500 में से 125 माइनस कर दीजिए, पुल की लंबाई आ जाएगी 375 मीटर। ठीक है, आगे देखिए, 3 लड़कों की औसत आयु दी थी, तो औसत आयु दी है तो 48 हो गया टोटल, तो यहाँ पे हमें छोटे लड़के की आयु बतानी है, यानी कि 4x की वैल्यू, तो ये टोटल जाएगा 5 × 4 = 9, 7 = 16, 16x = 48, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, तो 4 × 3 = 12, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, किसी परीक्षा में कह रहा है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उतरे, हम हमेशा 100% मानते हैं, परसेंटेज हो या CPSP हो, 60% जब अंग्रेजी में पास हुए हैं तो फेल कितने हो गए, 40%। ठीक है, 70% जो है गणित में उत्तीर्ण हुए हैं तो 30% फेल, ओके, इस तरीके से हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, 20% अब ऐसे भी हैं जो दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, सॉरी, तो ये हो गया हमारा टोटल 70, तो 70 में से दोनों में जो अनुत्तीर्ण हो गए, 70 - 20 50%, तो 50% ऐसे हैं जो क्या है, अनुत्तीर्ण हुए हैं, और 50% ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए। तो इसने पूछा परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पे दिए गए हैं 2500 हैं जो उत्तीर्ण हुए, तो जब वेट अ सेकेंड, तो इसमें क्या है, 50% ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हो गए हैं, तो उत्तीर्ण में कितना आ गया 2500, और 50 ऐसे थे, तो 2500 2500 कितना हो जाएगा, 2, 4 और 5000, तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 5000 हो जाएगी। ओके, ए बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से बड़ा है, जबकि सी और डी ई से बड़े हैं, सी और डी जो है वो ई से बड़े हैं, ए बी से बड़ा है, सॉरी, ए बी से बड़ा है, और ई ए और सी के मध्य में है, ई जो है वो ए और सी के मध्य में है, जरूरी नहीं, मतलब जरूरी नहीं हो सी ई ए हो, ये भी सीक्वेंस हो सकती है ए ई सी, तो ये कोई भी हो सकती है, तो निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य, और इसने कहा है सी बी से बड़ा है, तो देखिए सी जो है वो बी से बड़ा है, इसमें कथन सत्य बताना है हमें,
सी जो है वो बी से बड़ा है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई बी से बड़ा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, एक घन की निचली सतह खाली है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इसमें क्या कह दिया है कि ए और बी के बीच में जो है एक्स अंकित है और ए के बाईं ओर इसने कह दिया कि वाई है, तो जेड की घन किस फलक पर अंकित होगी, तो इसमें डाउट है, ये नहीं पता है। ठीक है, आगे देखिए, बी और सी का भाई ए है, सी की माँ डी है, ए के पिता ये, तो कौन सा इसमें कथन जो है सही होगा, तो बी का पिता ई है, ये बिल्कुल ओके, ए सत्य कथन पूछा था इसने, सॉरी सॉरी, ई का पुत्र बी है, ये हो जाएगा सही है, ई का पुत्र बी है, ये जो है इसमें असत्य कथन हो जाएगा क्योंकि पुत्र इसमें बताया नहीं है कि बी फीमेल है या मेल है, तो वो पुत्री भी हो सकता है, तो पुत्र जरूरी नहीं, तो बाकी तीनों इसमें सही है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंबित आवर्तित होते हैं, तो 11। इसमें क्या होता है, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट का दिखता है, राइट लेफ्ट का होता है, ओके। तो इसमें जब बात आई कि सेम दिखे, तो इसमें लेफ्ट और राइट जो है दोनों बराबर होने चाहिए, जैसे ए का लेफ्ट राइट बराबर होता है, आई का लेफ्ट राइट बराबर होता है, एच का लेफ्ट राइट बराबर होता है, तो ये इस तरीके से 11 अक्षर हो जाएंगे। गलत छाटना था इसमें, तो 15 LS हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 13 LS आना था। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बीमेल छाटना है तो देखिए इनके एडिशन देख लिए, 7, 8, 9, ठीक है, 6, 7 और 1, 8 भाज्य संख्याएं हैं, 8, 9 और 1, 10 भाज्य हैं, 3, 4 और 1, 5 अभाज्य हैं, सिर्फ अपने आप से जो है ये भाग हो सकता, मतलब गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, जो भी है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1, 3, 1, ओके। इसमें जो सही था, सबसे पहले जो आना था वो आना था क्राइसिस, ठीक है, क्रिस्प, उसके बाद क्रिटिकल और उसके बाद क्राइटेरियन। ठीक है, एक मिनट, सी नहीं, लास्ट में फर्स्ट वाला आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 79 का फर्स्ट। चलिए अगला देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख के दिया जाए, विपरीत क्रम में मीन्स जेड वाई एक्स इस तरीके से, तो 19वें अक्षर के बाईं ओर, यहाँ से 19वां और 19वें अक्षर, 22 ओर से 19वें अक्षर के बाईं ओर ही पूछा 8वां अक्षर, तो इसी तरफ जो है वापस आएगा, तो ये पी हो जाएगा। ठीक है, किस जिले की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो सिरसा का है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, पीपल है। आगे, मारकंडा नदी किस जिले में नहीं बहती, तो सोनीपत में नहीं बहती है, खैरन दे समाचार पत्र, देखिए इसका पक्का नहीं पता है, बट ये निकला कहाँ से था, अंबाला से निकला था, तो अंबाला से कौन रिलेटेड थे, लाला मुरलीधर, तो मे भी मुरलीधर हो सकता है, बट नॉट श्योर, ओके। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में सही बताना था, तो देखिए कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है, तो सही है, 200 किलोमीटर से अधिक नहीं है, कितनी है, 135.6 समथिंग है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिर्फ केवल ए सत्य हो जाएगा। जिला जिसमें गुजरी महल स्थित है, तो हिसार का गुजरी महल आता है, ओके। आगे देखना है, मुख्यमंत्री के रूप में मुख्य, ओके, इसने कहा है अवधि के आधार पर हरियाणा के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, एक तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले बंसीलाल, फिर भजनलाल, भूपेंद्र हुड्डा और देवीलाल सबसे लास्ट में, तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिला जो मुख्यतः जुई नहर द्वारा सिंचित है, तो वो है भिवानी। शन्नो देवी के बारे में बताना था कौन सा सही है, तो पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष भी थी और हरियाणा का गठन हुआ तो हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष भी चुनी गई थी, तो दोनों ही जो है वो सही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में जो सहभागी राष्ट्र था वो कौन सा था, किर्गिस्तान था, किर्गिस्तान, ओके। तो यही थे 60 क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि आंसर्स जो है रॉन्ग ना हो, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, थैंक यू सो मच।